नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजीसी न्यूज़ और इस खास बुलेटिन में आपके साथ युधवीर सिंह चौहान। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से खबर आ रही है जहां फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष में दो पक्षों का मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल से पुलिस प्रशासन में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने दोनों तरफ से मारपीट का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, थाना क्षेत्र के रतचैनपुर मजरे मोहम्मदपुर गोती गांव में खेत में सिंचाई के लिए पानी मांगने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने दोनों तरफ से मारपीट का मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस मामले में सीओ खागा अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रतन सैनपुर मजरे मोहम्मदपुर गोती गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों पक्ष के लोगों को मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर अंतर्गत रतन सैनपुर गोती गांव है, जिसमें दो पक्षों के बीच में आपस में मारपीट हुई है। इस संबंध में दोनों पक्षों से मेडिकल कराकर मुकदमा पंजीकृत करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है और समस्त विधिक कार्रवाई पूरी की गई है तथा दोनों पक्षों को पाबंद करने का भी निर्देश दिया गया है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। बात चल रही फतेहपुर जिले की, जहां फतेहपुर जिले में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। आपको बताते चले, सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए किसानों ने ट्रैक को जाम कर दिया। वही इनका समय 12:00 शाम को 4:00 तक का ट्रैक जाम करने का था। उसके बाद किसानों ने फतेहपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में सरकार ने पुलिस कानून बिल पास कर दिया है, जिसके लिए किसान 84 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है, कृषि कानून बिल को वापस किए जाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए सरकार को चेतावनी देते हुए पहले ही कह दिया गया था कि आज हजारों की संख्या में किसान घरों से निकलकर रेल चक्का जाम कर ज्ञापन भेजा है। वहीं राष्ट्र उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा कि जो किसान आज दिखाई दे रहे हैं वे किसान हैं जो आज यहां हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं। इनकी मांग है कि किसी बिल को वापस लिया जाए, अगर नहीं वापस लिया जाता इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहा है, लगातार बैठा हुआ है, 3 महीने होने को हो रहे हैं। राकेश टिकैत जी के द्वारा आह्वान किया गया है, उत्तर प्रदेश नहीं समूचे भारत में आज रेल चक्का जाम का आह्वान है। और हम सब किसान भाई, किसान यूनियन, जितने भी संगठन किसान के हैं उत्तर प्रदेश के, सब जो फतेहपुर ज़िले के हैं, वो इकट्ठा हुए हैं और हम लोग रेल रोक कर ये संदेश देंगे सरकार को कि किसान किस तरह से जूझ रहा है और ये जो काला कानून आया है ये किसान को किस तरह से प्रभावित करेगा आने वाले समय में, कि किसान की उपज के दाम मिल ही नहीं पा रहे और खर्चा उसका बढ़ता चला जा रहा है। गेहूं का रेट, धान का रेट, ये सभी लगातार गिरते जा रहे हैं। किसान ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना अपने जीविका में जो उसके वस्तुओं की ज़रूरत है, उन वस्तुओं की भी दाम इस सरकार ने गैस पेट्रोल सब कुछ महंगा कर दिया है। किसान उसी आक्रोश में यहाँ पर जमा हुआ है और रेल रोकेगा और आंदोलन को, दिल्ली वाले आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। राकेश और ये चौहान साहब, राजेश चौहान जी की अगुवाई में यहाँ पे रेल रोको कार्यक्रम होगा। कहाँ पर हो रहा है ये? बिल्कुल अभी यही मलवा स्टेशन है, ये मलवा पे चक्का जाम किया गया है यहाँ पर मलवा में। क्या कहेंगे कुछ इस पर, किस तरीके सरकार को आप देखिए? भारत सरकार ने जो कोरोना काल में 5 जून को किसान विरोधी बिल पास किया, तीनों बिल वापसी के लिए और MSP पे कानून बनाओ, ये आज 83 दिन से आदरणीय राकेश टिकैत और 40 किसान संगठनों के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, हम सब लोग वही थे। हम भी अभी 17 तारीख में आए हैं कल ही, और आज पूरे देश में रेल चक्का जाम था। अभी आपके सामने रेलवे ट्रैक पे हम लोगों ने जाम करके और ज्ञापन दिया, ये किसानों को जगाने के लिए। भारत सरकार कहती है कि केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े से जनपदों में आंदोलन है। आज आपने देखा यहाँ हजारों किसान हैं, आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में किसान डटा है यहाँ सुबह 12 बजे से और अब 5:30 बज रहा है और हजारों की संख्या में किसान यहाँ आए। ये सरकार के लिए एक चेतावनी है कि आप इन बिल को वापस लो, MSP पे कानून बनाओ,
और किसानों की समस्या का समाधान करो, वरना ये किसान पूरे देश में आंदोलित है और पूरे देश किसान का आंदोलन है, ना किसी जात का है ना किसी प्रदेश का है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है और ये बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जय जवान जय जवान। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले, संबल के नगर सुधार कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में को रोष बताते हुए कहा कि जल्द से जल्द इनके दाम कम किए जाएं। लगातार हम लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। संबल नगर सुधार कमेटी के कार्यकर्ताओं ने का कहना है कि आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही दुख की बात है, जिससे देश की जनता और देश का किसान पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बहुत ही अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, जिससे किसान और आम आदमी अपने आप कामों को अंजाम नहीं दे पा रहा। कोरोना काल में जब पूरा देश परेशानी में जूझ रहा है और अब ऐसे मौके पर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं के लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर बढ़े दामों का वापस लेना चाहिए ताकि किसान और आम जनता अपने कामकाज को सही से अंजाम दे सके। हमारी पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि डीजल और पेट्रोल के बढ़े दामों को वापस लिया जाए। किस विषय पर ज्ञापन दिया है? तेल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ये हमने ज्ञापन दिया है। तेल कीमतें आसमान को छू रही हैं, हर रोज तेल कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमत बढ़ जाती है। इस माहौल में कैसे गरीब आदमी अपना गुजारा करे, किस तरीके से एक मजदूर आदमी अपनी अपने घर का खर्चा पूरा करे, किसान किसी सूरत में कामयाब नहीं हो पा रहा। एक तो महंगाई का इतना बड़ा भार हमारे ऊपर था, इसके ऊपर से अब जो हर रोज़ के तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसमें गरीब आवाम और ख़ास तरीके से किसान लोग जो हैं वो पूरे पूरे बर्बादी के कागार पर आ चुके हैं। जबकि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो किराया भी बढ़ता है और इसके अलावा हर चीज़ में महंगाई आती है। इन महंगाइयों को बढ़ाने में जो काम कर रही है सरकार, उसकी तरफ से हमें ये हमने मांग की है कि तेल की कीमतें जो है कम की जाएं ताकि इस बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए और इसके ऊपर लगाम लगे। खबर उत्तर प्रदेश के संबल से, जहां बता दें संबल में 35 ईंट के भट्टे, सूत्रों से खबर आ रही है कि 35 ईंट के भट्टे फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसमें खनन अधिकारी ने जांच कर कई भट्टों पर जिनकी रॉयल्टी जमा नहीं है और ईंट पे भट्टे पर ईंट बनाई जा रही है उन पर सख्त कार्रवाई की है। संबल बिना रॉयल्टी के चलाए जा रहा ईंट के भट्टे अधिकारियों ने चलाया अपना चाबुक। आपको बता दें संबल इलाके में राजकपुर जय बाबा बिक्री वर्ग ईंट उद्योग बिला रॉयल्टी जमा किए चल रहे थे ईंट के भट्टे। बताया जा रहा है कि हाजी बन्ने मियां ईंट उद्योग ग्राम रजाकपुर जय बाबा ब्रिक वर्ग ग्राम रजाकपुर एवं जाँच के दौरान बिना विनियमय शुल्क रॉयल्टी जमा किए हुए ईंट बनाते पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए खनन अधिकारी ने उन पर चाबुक चलाया।